फीवर स्विम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हिमाचल की फेमस डिश जिसे बबरू कहते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान होते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी हमारी दादी नानी इसे कैसे बनाया करते थे। तो चलिए अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए मेरे पास पहले से ही आटा गूंदा हुआ पड़ा था, ये थोड़ा सा खट्टा हो गया है। तो इसके आज हम इंस्टेंट बबरू बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा खमीर भी आ गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच हम डालेंगे नमक। आज हम नमक वाले बबरू बना लें इसलिए हम इसमें नमक डालेंगे। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे काली मिर्ची पाउडर। फिर हम इन तीनों चीज़ों को आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हम आटे को अच्छे से गूंदेंगे इसमें ताकि ये तीनों चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें हमने कोई भी सोडा वगैरह ऐड नहीं करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हम आटे को अच्छे से मसल कर गूंदेंगे। दूसरी साइड हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल। इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे। अब हम बबरू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक लोई लेंगे आटे की। फिर हम हाथ को थोड़ा सा पानी के साथ गीला करेंगे। फिर इसे हम इस तरह हाथ से फैलाएंगे आटे को। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किसी भी चकले बेलने का यूज़ नहीं किया है। इसे हम इस तरह से हाथ पर फैलाते हुए बनाएंगे। और ये देखिए हम इसे गरम गरम तेल में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। और ये देखिए हमारा बबरू एक साइड से फुलकर रेडी हो गया है। इसे हम इस तरह से हल्का सा डिप करेंगे। फिर इसे हम दूसरी साइड को पलट देंगे। और ये देखिए हमारा फूला फूला हुआ बबरू बनकर रेडी हो गया है। अब इसे हम दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए हमारा नमकीन बबरू बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा बबरू बनाएंगे। इस तरह हम एक आटे की लोई लेंगे। फिर इसे भी हम हाथ पर इस तरह से प्रेस करेंगे और इस तरह से इसको फैला देंगे। आप देख सकते हैं कितने ही आसानी से हमने इसे फैला दिया है। और ये हमारा बबरू बनकर रेडी हो गया है। अब इसे हम ऑयल में फ्राई करेंगे। और ये देखिए इसे हमने ऑयल में डाल दिया है। और ये देखिए हमारा बबरू कितने अच्छे से फूलकर तैयार हो गया है। फिर इसे हम दूसरी साइड को पलट देंगे। और ये देखिए हमारा फूला फूला हुआ बबरू बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें हमने कोई भी सोडा वगैरह नहीं डाला है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने बचे हुए आटे से बबरू बनाकर तैयार किए हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसे अब हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे प्लेट में। इसके साथ मैंने सर्व किया चाय। चाय के साथ बबरू खाने का एक अलग ही मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने जल्दी से हमने बबरू बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इसे आपको मैं इस तरह से तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे कितने सॉफ्ट और फ्लफी हमारे बबरू बनकर रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं अंदर से। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं ये आपको रेसिपी कैसी लगे। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।